नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द ऑर्चरिंग पर। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज हम बात करते हैं पीपीएफ वर्सेस वीपीएफ के बारे में। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है बेहतर निवेश विकल्प, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वीपीएफ और पीपीएफ हमेशा से ही निवेश के सबसे बेहतर जरियों में से रहा है। नौकरी पेशा व्यक्ति को इन दोनों तरीकों से निवेश करने पर ज्यादा ब्याज दर के लाभ के साथ बेहतर बचत विकल्प का फायदा भी मिलता है। पिछले कुछ व्यस्त से देखा जा रहा है कि फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज भी देर काफी कम है, जिस कारण से लोग निवेश व अन्य साधनों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। अगर आप भी निवेश करने के बेहतर विकल्प की तलाश में हैं, तो पीपीएफ और वीपीएफ आपके लिए सबसे बेहतर माध्यम में से एक हो सकता है। तो आइए पीपीएफ और वीपीएफ के बारे में विस्तार में जानते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पीपीएफ की स्थापना वित्त मंत्रालय के विभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा सन 1968 में एक बचत तरीके के तौर पर की गई थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ हमेशा से ही नौकरी पेशा लोगों के लिए निवेश का सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक रहा है। पीपीएफ के माध्यम से निवेश करने पर लोगों को न केवल टैक्स का लाभ मिलता है बल्कि बेहतर ब्याज दर का फायदा भी मिलता है। पीपीएफ खाता 15 साल की लाइन इन अवधि के साथ आता है। फिलहाल पीपीएफ में ब्याज की दर 7.1% सालाना है। पीपीएफ के तहत मिलने वाले ब्याज पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ में निवेश करने से नौकरी पेशा लोगों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की आय छूट का फायदा भी मिलता है। पीपीएफ अपने अकाउंट को चालू रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को हर साल कम से कम 500 रुपए से निवेश करना होता है। इसके अलावा आप साल भर में पीपीएफ के जरिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए की रकम का निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीपीएफ के बारे में, स्वैच्छिक भविष्य निधि। पीपीएफ में निवेश करने के अलावा नौकरी करने वाले लोग स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। हालांकि वीपीएफ के तहत केवल वह वेतनभोगी योग्य कर्मचारी निवेश कर सकता है जो ईपीएफओ का सदस्य है। ईपीएफ के तहत कोई भी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% से अधिक का निवेश नहीं कर सकता। अगर किसी कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी के 12% से ज्यादा का निवेश करना है तो वह वीपीएफ के जरिए से निवेश कर सकता है। वर्तमान समय में वीपीएफ पर 8.50% का सालाना ब्याज दर का फायदा मिलता है, जो कि पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज से दर अधिक है। इसके अलावा जिस तरह से पीपीएफ में EEE स्टेट्स मिलता है, उसी तरह वीपीएफ पर भी EEE स्टेट्स की सुविधा मौजूद है। EEE से तात्पर्य है कि इसमें निवेश राशि, ब्याज राशि और मैच्योरिटी पर राशि टैक्स नहीं देना पड़ता है। वर्तमान समय में वीपीएफ पर ब्याज की दर 8.50% की है, पर पीपीएफ की मिलने पर वाले ब्याज देश से अधिक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।